song is be split. आप लोग का स्वागत हरिभक्ति प्रभु जी ने कर चुके हैं, हम केवल हरिभक्ति प्रभु को स्वागत करेंगे क्योंकि वो आप लोग को स्वागत कर चुके हैं। ठीक है, जो भजन डिस्प्ले है सभी देख पाते हैं ना। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। भक्त गृह
जन्म हो मोरा भाता जन्म हो जथा तू अदास कीट जन्म हो जथा तू अदास बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं आशा बहिर्मुख सबसे लागे जो किछु मुक्ति श्रीहा विहीन जे भक्त मुक्ति 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 श्रीहा विहीन जे भक्त लभते तांक संग अनुरक्त लभते जननी दयित तनय जनक जनक जननी दयित तनय जनक प्रभु गुरुपति तुह सर्वमय प्रभु गुरुपति जो कि छुरा कति विनोद कहे सुन कान भकति विनोद कहे सुन कान भकति राधा नाथ तुम
আমার পরাণ जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। इसकन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री 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 राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड श्री गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। जय श्री श्री व्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी जमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की।
जुग धर्म भुवन मंगल से हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, समवेत भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री 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 गुरु गुरु गौरांग की जय। श्री चैतन्य चरितामृत में भगवान श्री चैतन्य देव ने श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए एक बात बताए, क्योंकि ये प्रश्न उठा, हम कृष्ण को क्यों भजन करेंगे? इतने सारे देवी देवता है कि नहीं, कृष्ण को क्यों भजन करेंगे? तो उसको उत्तर देने के लिए भगवान श्री चैतन्य देव कहते हैं, विज्ञ जनेर हय यदि कृष्ण गुण ज्ञान। जो जानकार व्यक्ति है अगर वो कृष्ण के बारे में जान जाएगा, विज्ञ जनेर हय यदि कृष्ण गुण ज्ञान, अन्य त्यजी भजे ताते उद्धव प्रमाण। जो विज्ञ व्यक्ति है उसको अगर कृष्ण के बारे में पता चल जाएगा, सब छोड़ करके कृष्ण की शरण में आ जाएगा। इसमें कोई बोले इसमें प्रमाण है उद्धव जी, उद्धव जी प्रमाण। क्यों? बोले उद्धव जी को जो पता चला कि ऐसे भी कोई हो सकता है, पूतना जैसा महा राक्षसी उसको भी सदगति दे दी। श्री भागवत में ये उद्धव जी कहते हैं, अहो बकियं स्तन काल कूटं जिंघा असाध्वी लेभे गतिं धात्री उचितं ततोन्यं कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। जिंघा सया तद अपि असाध्वी, अहो बकी अंग स्तनक, अहो मतलब आश्चर्य रूपे कहते हैं, बकी बकासुर का बहन, बकी बोलते हैं, बक बकी, बक मतलब बगुला, बगुला एक असुर था ना, तो उसका सिस्टर था बकी, उनको पुतना भी कहते हैं। तो कृष्ण जब छोटे थे, 1 week old, 1 हफ्ता उनका उम्र था, उस समय आया कृष्ण को मारने के लिए, अपने स्तन में कालकूट जहर लेप करके कृष्ण को मारने के लिए आई। इतने असाध्वी थी, इतनी प्रकार इस प्रकार जिंघा सया मारने की इच्छा था, छोटे बच्चे को स्तन पिलाकर मारना कितने कुत्सित इच्छा है। लेकिन लेभे गति धात्री उचितांग ततुन्यंग, लेकिन उनको क्या मिला? नर्स, धाई, धाई माँ होते ना, 7 माँ से 1 माँ होते धाई माँ, धाई माँ की पदवी भगवान ने गोलोक वृंदावन में दे दी। आई थी मारने के लिए कपट करके, उसको सुन करके उद्धव बोलते हैं, अरे रे 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 रे, फिर दूसरा किसके पास जाए? ऐसे बदान्य, ऐसे करुणावान कौन हो सकता है? उनको मारने के लिए आया था, इतने कपट जिज्ञासी, इतने खतरनाक बुद्धि वाले, लेकिन उनको तुरंत मात्र उचितम पदम, माँ के समान पोस्ट दे दिए। इतने बड़े दयालु, कंबा दयालु, उससे बड़कर दयालु किसके शरण में जाऊं उनको छोड़ करके? उद्धव प्रमाण। तो इसी को भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कृष्ण के 4 गुणों को पंडित जन देख लेते हैं, इसी कारण कृष्ण की छोड़ करके और कहीं जाते नहीं। कृष्ण भजनीय गुणों के निधि है, निधि मतलब समुद्र,
भजन करने के लायक जो जो गुण होना चाहिए उसके सारे गुण के समुद्र है। भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य हे न कृष्ण छड़ी पंडित नाही भजे अन्य। ध्यान देकर सुनिए, भक्त वत्सल कृतज्ञ समर्थ वदान्य हे न कृष्ण छाड़ी पंडित नाही भजे अन्य। जो पंडित व्यक्ति है इस प्रकार कृष्ण को छोड़ करके और किसी का ही भजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास ये है, कृष्ण भक्त वत्सल है। कृष्ण को भजन करने से भक्त वत्सलता सबसे पहला कृष्ण का गुण है। भक्त वत्सलता शब्द का अर्थ है भक्त के प्रति परम स्नेह रखने वाले। भक्त के प्रति परम स्नेह रखने वाले कैसा स्नेह? स्नेह कैसा होता है, किसको बोलते हैं स्नेह? स्नेह शब्द आता है माँ और बेटा के संबंध में, है कि नहीं? और कोई स्नेह नहीं बताते, बड़े स्नेह जननी बेटा को बहुत स्नेह करते हैं। तो जिस प्रकार कोई पुत्र और माँ, पुत्र छोटा बालक तो चंचल होता है, नटखट होता ही है, तो स्वाभाविक। अब जा करके अच्छा कपड़ा पहनाए था माँ उनको, जा करके गंदा में लोटपट हो करके सारे कपड़ा धूल है, पूरे शरीर के धूल तो इस अवस्था में कोई कीड़ा काटा उसको और माँ माँ करके चिल्लाया, माँ दौड़ कर गया, बोला देखो पूरे शरीर में कीचड़ मिचड़ लगा, उसको उठाया, नहीं बोलेगा नहीं साफ सुथरा होकर तो अभी नहीं कर, मेरा कपड़ा खराब होगा, क्या करेगा? स्नेह के कारण माँ थोड़ी देखेगा, कितने भी कीचड़ हो कुछ हो तुरंत उसको उठाएगा, ये नहीं देखेगा कि उसके अंदर गंदगी है, उसको नहीं देखेगा, पहले साफ नहीं करेगा, पहले उठाकर गोद में लेगा, उसको शांत करेगा, कुछ संदेश कुछ, फिर धीरे धीरे मैला साफ करेगा, यही है ना, इसी को बोलते हैं स्नेह। स्नेह का यही परिणाम है। ठीक स्नेह की मारे, स्नेह के कारण जिस प्रकार माँ अपने संतान का गंदगी को नहीं देखता, उसका रोने को आवाज को सुन करके तुरंत उसको गोद में उठाता है और बाद में उसके जो गंदगी मैला है उसको साफ करता है, पहले उसको प्रबोध करता है, शांत करता है, यही है ना, इसी कहते हैं स्नेह, माँ का पुत्र प्रति स्नेह। ठीक जैसे माँ का उनके पुत्र प्रति स्नेह होता है, कृष्ण अपने के भक्त के प्रति ऐसे ही स्नेह, वत्सलता। जैसे गाय अपने छोटे बछड़ा को स्नेह करता है, इस प्रकार माँ तो अपने बेटा को इतने स्नेह भी नहीं करेगा जितना गाय अपने बछड़ा को करता है। गाय एक निरामिष भोजी प्राणी, कभी आमिष नहीं खाता, लेकिन जब उनका बच्चा पैदा होता है तो बछड़े के साथ रक्त नाल क्या क्या सब आता है कि नहीं? कोई नर्स थोड़ी जाता है साफ करने के लिए, कोई नर्सिंग होम तो पैदा नहीं होता बछड़ा, तो कोई नहीं रहता, उनका हाथ भी नहीं है साफ करने के लिए कि पानी ला के साफ करे, चाट चाट करके जो चीज को उसे खाने के लायक नहीं है उसको चाट चाट कर खा जाए। क्यों? स्नेह अतिरेक, केवल एक ही गुण है वत्सलता। वही वत्सलता या स्नेह अतिरेक, अतिरेक के कारण वो नहीं देखेगा कि मेरे खाने के लायक है क्या, किसने तुरंत उसको सब साफ करेगा। ठीक इसी प्रकार जो कोई कृष्ण को भजन करता है तो कृष्ण उनको प्रति इतने स्नेहल स्नेहिल हो जाते हैं, इतने परम वत्सल हो जाते हैं, ताकि उनके कमियों को नहीं देखते, इमीडिएटली उसको उठाते हैं, उठाने के शांत करने के बाद में फिर उनका कमी को दूर करते, ये नहीं पहले कंडीशन नहीं 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 तेरे अंदर से कमी में नहीं स्वीकार करूँगा ना। माँ कभी ऐसे कंडीशन रखकर बच्चा को उठाता नहीं ना, इमीडिएट उठाएगा, बाद में साफ करेगा। तो कृष्ण इसी प्रकार जो कृष्ण के भक्त बनते हैं, भक्तिभाव से उनका भजन करते हैं, कृष्ण उनका दोष गुण को देखते नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि वत्सलता।
भक्त वत्सलता स्वभाव के कारण अपने भजन कार्य का दोष को अवगुण को देखेंगे भी नहीं, पहले उठाएंगे बाद में साफ करेंगे उसको। बोले वो मैं कर दूंगा साफ सुथरा, साफ सुथरा, जैसे माँ बच्चा के कपड़ा को धो धा कर साफ बाद में करता है, पहले उसे उठाकर स्तनपान कराता है, सांत्वना देता है। ठीक इसी प्रकार माँ का जितने स्नेह उनके संतान के प्रति, उससे कई करोड़ों गुना ज़्यादा ठाकुर जी का अपने भक्तों के प्रति होता है। तो ये गुण है भगवान का भक्त वत्सलता, भक्त वत्सल है। जो कोई भगवान के पास अकिंचन भाव से जाता है उनके प्रति वत्सल होते हैं। अकिंचन मतलब जब भी हमारे पास कोई दिक्कत आता है, कोई तकलीफ आता है, साधारणतः हम कोई बड़े आदमी के पास जाते हैं, भैया देखो मेरी परेशानी है थोड़ा मदद करो। कोई MLA MP के पास जाते हैं, कोई बड़े और समर्थवान व्यक्ति के पास हैं, कोई धनी, कई प्रकार लोगों के पास जिन कोई आशा करते हैं जाते हैं, लेकिन वो हेल्प करते कि नहीं पता नहीं या क्या करते हैं, लेकिन हम जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति अगर किसी के पास न जा करके केवल कृष्ण के पास आया, उनको पता है इसी के कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, उनके पास जाने से वो उनके पैर पकड़ने से कष्ट से निवृत्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं जाएंगे ना। जैसे ब्रजवासियों को पता था जब उन्होंने गोवर्धन को पूजा किए, इंद्र को पूजा बंद करके पूजा किए, दूसरे दिन हुआ कि नहीं घोर वृष्टि, झड़ तूफान हुआ, सारे ब्रजवासियों के पास इंद्र का फोन नंबर था, क्योंकि वो रेगुलर पूजा करते थे उनका, ऐसा नहीं कि एक बार आए थे, सभी के पास अच्छे तरह से पता था, नंबर था, पता था सबको कि इसी ने किया, हम इस बार उनको पूजा नहीं किए, लड्डू पूरी मालपुआ नहीं खिलाए उसको, गुस्से में आकर इसको कर रहा है, बोले पता था सबको, लेकिन कोई एक भी फोन करके बोले नहीं सर एक्सक्यूज मी, माफ कर दीजिए गलती से मैं ऐसा, कोई नहीं बोले ना गए ना पूछे तक नहीं। ये है भगवान के कितने तकलीफ पड़े मरण पर्यंत भी और किसी के पास नहीं जाएंगे, केवल से कृष्ण के शरण में आएंगे। जो इस प्रकार से सब छूट छाड़ करके, सब अकिंचन हो करके केवल कृष्ण के शरण में आएगा, कृष्ण कैसे छोड़ सकते हैं उसको? कृष्ण तो पहाड़ उठा लेते उनके लिए, इंद्र का गर्व खर्व हो जाता है कि नहीं? यही तो प्रमाण है कृष्ण की भक्त वत्सलता। ऐसे भक्त वत्सल है कि जो छतरी उठाते हैं पहाड़ उठा सकते हैं भक्त के लिए, उठाए भी। तो भगवान के विशेष गुण है भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल शब्द का अर्थ है कि भक्त के प्रति जैसे गाय बछड़े के प्रति स्नेह रखता है, जैसे माँ संतान के प्रति स्नेह रखता है, इतने ही स्नेह रखते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि भक्त कहेगा कि वो बच्चा तो माँ माँ करके रोया तब न माया उसको उठाया, मैं तो भगवान को प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, मेरा आवाज़ उनके तक पहुँचता ही नहीं, मुझे ध्यान से प्रार्थना करना आता ही नहीं, मेरे प्रार्थना उनके तक पहुँचता ही नहीं, तो कैसे मुझे उद्धार करेंगे, है ना? नहीं, ये प्रश्न उठ सकता है, ये प्रश्न उठ सकता है कि भैया ये तो बछड़ा है कि गाय, उनको गाय को पता चला कि मेरे कोई भरोसा नहीं केवल मैं ही, तो उनको सहायता करते हैं, लेकिन हमारा भगवान के साथ तो संबंध इतना है ही नहीं, हम कुछ रोते पटपड़ा कुछ करते, इतने अवगुण है भगवान पास, हमारा प्रार्थना पहुँच ही नहीं पाता, हमको देख रहे जानते नहीं, तो हमारा उद्धार कैसे करेंगे? भगवान भक्त वत्सल हो सकते हैं, उनका अंदर भक्त के प्रति बहुत स्नेह वत्सलता है, लेकिन मेरा उनके पास पहुँचने एप्लीकेशन तभी तो करेंगे ना, कैसे करेंगे? तो दूसरा शब्द कहते हैं कि भक्त कृष्ण केवल भक्त वत्सल नहीं है, दूसरा गुण क्या है ना, क्या कृतज्ञ है। कृष्ण कृतज्ञ भी है। कृतज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? कृतज्ञ दो शब्द के मिलकर हुआ है। कृत मतलब जो किया हुआ, जो आप करते हैं, कर चुके हैं, उसे बोलते कृत, हो गया जो सब कृत हो गया, कर लिया आपने। ज्ञ मतलब जानना, आप जो कुछ करते हैं भले आपको पता ना चले, कृष्ण को सब पता है, इसलिए उनका नाम है कृतज्ञ। कोई भी संसार में चराचर विश्व में
कोई भी प्राणी कुछ भी करे कृष्ण को पता चल जाता है, करने से पहले प्लानिंग पता चल जाता है, क्योंकि हृदय में बैठे हैं। आप सोचोगे, सोचने के लिए सोचोगे, उसको जान लेते हो आपसे पहले कि अभी सोचने वाले हो, अभी सोचोगा आपने में पता चल गया आप सोचने वाले हो, बोलने वाले हो। इसलिए उनका नाम है कृतज्ञ, कृत को ज्ञान उनका हो जाता है। तो आप कुछ किया ये मत सोचो कि उनको नहीं, नहीं वो उनको पता चल जाएगा। आप कौन सा भाषा में बोला, स्लो में बोला, मीडियम में बोला, लाउड में बोला, ये कि केवल आप ऐसे ऐसे साइन लैंग्वेज में बोला, इस आवरण में उच्चारण में कुछ भी किया, आपके भाव को ग्रहण करते हैं। इसलिए उनका नाम है भावग्राही, भाषा फाषा नहीं, भाव को ग्रहण कर लेते। भाषा तो है ही, ये समझते हैं, भाषा से पहले भाव की समझ लेते हैं। और जो भी कुछ अब करते हैं वो करने का पीछे आपका क्या, आपका भावना है उसको जान लेते हैं, उसको जान लेते हैं। इसलिए जरूरी नहीं है कि आपके रो रहा करके प्रार्थना संस्कृत में बोल करके उनका पास में पहुंचे तब जाकर काम करो, नो ऐसे का जरूरी नहीं कि संस्कृत भाषा में इतने साउंड में इतने लय ताल ये पूर्वक इसे बोलने से बोले ये मंत्र, वो कोई जरूरत नहीं है। ये बाकी देव देवता के मंत्र तंत्र से जरूरत है, कृष्ण तो भाव देखने वाले है ना। नहीं जसोदा मैया को मुंह में कृष्ण नहीं आता, कृष्ण बोलते कन्नू दौड़ कर आते थे, कृष्णचंद्र बोल नहीं पाते को जरूर नहीं, नीलमणि दौड़ कर आते थे, है ना। नहीं वो नहीं है। महाभारत युद्ध अभी होने ही वाला ही था, डिसाइड हो गया भेनु कि धर्म क्षेत्र में लड़ेंगे, युद्ध होगा और डेट भी फाइनल कर दिए, बोले मुख्य प्राप्ति का एकादशी उसी दिन लड़ेंगे, मरेंगे वह मुख्य भी हो उस दिन से शुरू करेंगे लड़ाई। कृष्ण थे ना, और डिसाइड के बोले भेनु रहेगा धर्म क्षेत्र, डेट होगा मुख्यदा एकादशी। तो पहुंचे, विशाल क्षेत्र था कुरुक्षेत्र का मैदान, बहुत बड़े एम्प्टी बैरन लैंड था, घास फूस बहुत उगा हुआ था इसमें। तो सेना लेकर के दोनों पक्ष के मोर्चा, सेना चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी समझते ना, पदातिक घोड़सवार हाथी में जाएंगे, रथी, ये चार प्रकार के रथ में बैठने वाले, हाथी में बैठने वाले, घोड़े में बैठने वाले, पदातिक पैर चलने, चार प्रकार के सैनिक को चतुरंगिणी कहा जाता है, चार रंग वाले। सेना लेकर के हजारों हजारों संख्या में दोनों तरफ के लोग गए अपना अपने कैंप लगाने के। एक छोटी सी चिड़िया था, टिटिहारी पक्षी बोलते हैं उसको, भारदुल पक्षी भी कोई बोलते हैं, वो चिड़िया पेड़ में ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो भूमि पर रेत में कहीं घास फूस के नीचे कहीं अपने घोंसला बना लेते हैं, अपने अंडा धर देते हैं, अपने संतान को लेकर फिर चले। तो बेचारे कई सालों से तो खाली पड़िया पड़ा था, वो तो मैदान पड़ा, तो अपने एक घास के नीचे अपना फ्लैट बना के वहीं रहते थे। अब उनको क्या पता कि ऐसे हो, छोटे छोटे दो अंडा था उनका, अंडा दिए थे, दो अंडा था, और उसको फ्रेश नए अंडा था, उसको पोषण करने के लिए कितने जैसे बहुत आसक्त थे अपने इस अंडे के प्रति, और उनको नहीं पता था, शब्द सुनाई पड़ा, उड़ करके देखे साउंड क्या सुनाई पड़ते, देखे कि बाप रे बाप, अपार लंबा मोर्चा शब्द के साथ ई पदातिक वाहिनी आ रहा है, उसके पीछे घोड़े में चढ़ करके हाथी वाले, रथ वाले। अरे उनको देख करके अल्प प्राण पक्षी बोले ये क्या हो रहा है, हमारा गांव में ये सब क्यों आते हैं, उनको क्या पता, पेपर पढ़ते नहीं, करंट न्यूज जानते नहीं, मीडिया फीडर परेशान हो गए हो क्यों आ रहे। ओ बेचारे चिल्लाने से कोई रोकने वाला तो है ही नहीं, आ रहे और वही रास्ता देकर जाना है। खूब उठ करके चिल्लाने लगे, हमारा अंडा इधर है, कुछ अपना भाषा में खूब चिल्ला रहे थे, कौन सुनता उसको। भगवान का इतना बड़ी महत कृपा था कि हजारों पदाति की घोड़सवार
गजारो ही सेना चले जा चुके हैं। अभी बड़ा सौभाग्य था कि किसी के पैया के नीचे कि किसी पर के नीचे अंडा नहीं आया, नहीं तो चटनी हो गया होता। लेकिन अभी आया नहीं, अभी बचा हुआ है, किसी के पैर के नीचे नहीं आया। लेकिन वो तो चिल्ला रही कि क्यों आ रहे इतने लोग, पता नहीं क्या करेंगे हमारे गांव के सब, आ ही रहे लोग। वो खूब चीख कर रहे हैं, क्या करेंगे, उनके चीख सुनता को कोई सुनता नहीं। आप बोलेंगे बेचारे क्या करेंगे, कोई आप जैसे मनुष्य हो, आपका पुत्र के प्रति जितने स्नेह रहता है छोटे शिशु के प्रति, कोई राजा महाराजा है उनके युवराज के प्रति, छोटे बेबी युवराज के प्रति जितना स्नेह रहता है, एक पक्षी अपने अंडे के प्रति भी इतने स्नेह रखते हैं, इसमें से कोई कमी नहीं है, सेम रेशियो है। जितना आसक्ति, जितने स्नेह ममता आपका होता है, उनका भी इतने स्नेह ममता आसक्ति होता है, उसे छोड़कर कैसे जाएं? जा नहीं सकते हैं। इतने देख करके डर जाते हैं, चीख करके जाते हैं, लेकिन स्नेह और आसक्ति के कारण रह नहीं पाते, भाग कर आते हैं। आकर देखते हैं चारों तरफ भरे बेचारे परेशान है, कोई सुनता नहीं उनका, उनका दो अंडा है निश्चेष्ट, कोई उठकर चल नहीं सकता, कि जाने से वो उठाकर ले भी नहीं सकते, क्या करें? बहुत असहाय अवस्था में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई सुनते नहीं उनका, और मूर्छा लग गया। वो तो परेशानी, वो उठते थे, बैठते थे, जाते थे, हत व्यस्त होते थे। लेकिन अब दोनों तरफ से मूर्छा खड़े होकर के शंखवादन हो गया, अरे बाप रे, हृदयम व्यधारयन, कई सन्यों का हृदय को व्यथित करने वाले शंख ध्वनि था। तो बेचारे छोटे छोटे चिड़िया, उनका क्या होगा, दूर चले गए डर के मारे, आशा छोड़ दी तो गया, उड़ के चले गए दूर। लेकिन कुछ समय के बाद शंख ध्वनि बंद हो गया, उनका आशा हुआ, अभी साउंड साइलेंट हो गया, और एक बार चलते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं अंडा बचा है कि नहीं है। आए, देखे कि दोनों तरफ सेनाएं गन पॉइंट पर खड़े हैं, गन पॉइंट समझते ना, बिल्कुल ट्रिगर उठाकर 1 2 3 फायर, ये पोजीशन पोजीशन में दोनों तरफ से मोर्चा बांध कर खड़े हैं। और अर्जुन के, वो अर्जुन को पहचान नहीं थे, पहले एक रथ एक गाड़ी को उनका ड्राइवर लेकर के बीच मैदान पर आया। बीच मैदान कहाँ, जहां उनका अंडा रखा था उसके आसपास में आया, आकर के बीचों बीच खड़ा हो गया, और खड़े होकर के वो कुछ बोल रहा है उनको, दोनों सेनाओं उनको सुन रहे हैं साइलेंट, अब कोई लड़ना है, लड़ाई नहीं हो रहा है, सब सुन रहे हैं, वो कुछ बीच में हो रहा है उनका बातचीत। इसी मौका को लेकर के इन दोनों पक्षी बोले, चलो अपना कुछ कर रहे हैं, शांति हो गया, हम अपने अंडे के पास चलते। उनको नहीं पता था अल्प प्राण पक्षियों की, ये उनका अंडे के पास आने का आखिर सुजोग था, और नहीं आ पाएंगे उसके बाद। वो आकर अंडे के पास बैठे, आधा घंटे 40 मिनट का तो डिस्कशन था, उसके बाद में फिर सतग्नि, बाणों का गर्जन, सनसनाहट तुरंत उड़े। अब तो देखे कि वज्र गति से अर्जुन के गांडीव से मृत्यु वर्षा होने लगा। अरे बाप रे, वो तो बोले उड़ कर, कोई उपाय नहीं दिखे, अब क्या करें। उड़ करके इस जो रथ के जो ड्राइवर था, पीत वस्त्र पहनने वाले और मोर मुकुट लगाने वाले, उसके ऊपर में परिक्रमा किए और अपने भाषा में प्रार्थना करने लगे, प्रभु हे असहाय के सहाय, हम असहाय है, हमारे निश्चिष्ट दो अंडा को तो बचा लो, और हमारे पास कोई सहायता नहीं, कोई होप नहीं, कोई स्कोप नहीं, बिल्कुल निराशा है, हमारा कोई नहीं आपके अलावा, हे अनाथ के नाथ। इससे पता चलता है कि ये दोनों पक्षी हो ना हो पहले जन्म में कहीं डिबोटी थे, किस दुराग्रह के कारण, किस कारण
पक्षी जन्म प्राप्त हुआ, लेकिन भक्ति अविनाशी है। भक्ति क्या, भक्ति के आशा भी अविनाशी है। जिनके मन में एक बार डिजायर हो गया, मैं कृष्ण को भजन करूंगा, कृष्ण को सेवा करूंगा, बस एक बार हो गया, खत्म नहीं होगा, अविनाशी हो गया, क्योंकि भक्ति के आशा भी अविनाशी है। एक बार आशा कर लो, वो भी रिकॉर्ड रहेगा, कंप्लीट, कभी नहीं मिटेगा फिर। तो इस प्रकार कभी ना कभी कोई भक्ति किए होंगे, फिर कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, किसी कारण से वो पक्षी जन्म मिला, तो ये था उनका अंदर स्वभाव। महाविपत्ति समय में ये प्रकट हुआ, तो प्रार्थना की, कोई पढ़े ले अपने पक्षी के भाषा में बोले, चिंची होकर के अपने भाषा में यही रोते रोते प्रार्थना करते हुए ऊपर मंडरा रहे थे रथ के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भगवान को प्रार्थना करने के लिए चुने हुए श्लोक के द्वारा संस्कृत भाषा में बड़े ताल लय के साथ बोलना होगा, ऐसा नहीं। ऐसे महावेदांती संस्कृतज्ञ ब्राह्मण बड़े बड़े स्तुति पाठ करके भगवान को रिझाना चाहते हैं, भगवान उसको सुनते भी होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि छोटे से कि चींटी भी टींटी करके बोलता है उसको नहीं, उनको भी सतर्क से सुनते हैं, यही तो भगवान है, उनको भी सुनते हैं, उनको भी सुनते हैं, तो चिड़िया के भाषा वो भी सुनते हैं और सुने भी, उनकी कातर व्याकुल हृदय की प्रार्थना सुने, उनकी परिक्रमा करते हुए अवस्था में एक तिरछी चितवन से उनको देख भी लिए थे, और जो उड़ते थे, और उनका एक दृष्टि ही जीव के लिए अनंत आश्वासन है, दैट्स इट। उनको पता नहीं था, उनकी नजर पड़ चुका था, ओके डोंट वरी, भगवान अपना समय देते, ओके आप आंख में देखो, करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे, आपके अंडे के लिए चिंता, बेचारे अब लड़ाई शुरू हो चुका था, पक्षी और भाग गए, इसे ऊपर उड़ते उड़ते चले गए। उनको मन में ये डाउट हुआ कि हम इतने प्रार्थना किए, हमारा प्रार्थना सुनवाई हुआ कि होगा कि कोई पता ही नहीं, अब आप क्या कर सकते थे उससे परे। बेचारे दुखी होकर चले गए, बड़े दूर चले गए, अब तो 2 हफ्ता तक आने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 2 हफ्ता के बाद बीच बीच में कभी कभी आधी रात में आते थे, उनको देख करके लगता था कि ये यही जगह था हमारे, ये फ्लैट यही था या नहीं, नक्शा बदल चुका था, लाखों संख्या में डेड बॉडी बिछा हुआ था, घोड़े हाथी रथ रथी पड़े थे, उनके बीच में कौन सा उनका जागा उनके अंडा था कैसे पता लगा पाएंगे, गूगल में सर्च मारने से नहीं आता, लोकेशन नहीं मिल रहा, बुरी स्थिति था। लेकिन युद्ध शुरू हो गया था भयानक, दूसरा दिन का युद्ध में, पहला दिन तो चले गए, दूसरा दिन का युद्ध में हठात भगदत्त का महागज आ रहा था चिधाड़ते हुए, इतने विशाल 10,000 हाथियों के बल रखने वाले और भगदत्त का गज चिधाड़ता हुआ दौड़कर आ रहा था। उनके गले में 1 टन का एक सोने का घंटा था, विशाल स्वर्ण घंटा, टंग टंग आवाज करते हुए दौड़कर जा रहा था, और उस पीताम्बरधारी मोर मुकुटी ड्राइवर ने गांडीव धनवा को आदेश किया, पार्थ सावधान, इस हाथी के इस बाम घंट को निशाना करो। अब अर्जुन को इतने फुर्सत नहीं था पूछने के लिए, सर घंटे की क्यों, हाथी को मार दो, नहीं हाथी की नहीं, गले में जो घंटा है उसी को, पूछने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि यहाँ एक एक सेकंड में गला उतर सकता है, उनके लिए आदेश ही पर्याप्त था, बाम घंटा को लक्ष्य करो, धनाम से अर्जुन से बाण गया, दिखते ही विशाल बाम घंट कट गया, विशाल घंटी धम करे आवाज करके गिरा, 1 टन के महाघंटा यहाँ गिरा। अब पूछा भी नहीं क्यों घंटा वो कट क्यों होगा, टाइम नहीं किसके पास, हो गया हाथी भाग गया, घंटा गिर गया, लोग सब
ना अर्जुन को पता है, ना हाथी को पता है, ना उनको पता, किसी को नहीं पता। गए चले गए, लड़ाई हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला। और आप लोगों को पता हो कि नहीं, वे घंटा के नीचे 2 अंडे रह गए, विशाल घंटा। एक टन के घंटा जब गिरा, 6-6 इंची जमीन में गिर घुस गया, मतलब एयर टाइट, इधर उधर से ब्लड की नदी बह रहा था, ब्लड भी नहीं जा पाता, न कुछ नहीं जा पाता। जितने गर्माहट चाहिए अंडा को क्या करने के लिए, उसको मैच्योर होने, उसको प्रस्फुटित करने के लिए, बिल्कुल आजिटी टेम्परेचर उनको मिलता था, चारों तरफ ब्लड भरा हुआ है, गिल्ला मिट्टी है, बिल्कुल ऊपर से एयर टाइट, मैंने ऐसे परफेक्ट नेचुरल अरेंजमेंट, बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन होकर रहा, और 2 हफ्ता तक मेंटेन हुआ, जब तक लड़ाई चला। वो अंडा बिल्कुल प्रस्फुटित हो गया माँ के बिना, जैसे आजकल एक मुर्गा मुर्गी को बैठना होता है, नहीं तो आजकल मशीन में बैठा देते हैं, वो टेम्परेचर में हो जाता है, तो ये टेम्परेचर उनको क्या देते, भगवान ने पहले करा दिए थे, ये बुद्धि घंटे के नीचे रख करके उसको टेम्परेचर करा दिए थे। और 18 दिन के दिन जिस युद्ध कंप्लीट हो गया था, उस दिन वही गज दौड़ कर आ रहा था, और उसका पैर के चोट से घंटा टेढ़ा हो गया, और 2 इंच मैंने 6 इंच उठा था ना, पूरे 8 इंच ऊपर उठ गया, मतलब एक साइड में 2 इंच और ऊपर उठ गया, और बिल्कुल सूर्य प्रकाश और लाइट आने लगा। तब तक वो सावक निकल आए थे, इसे प्रोटेक्टेड रहा महायुद्ध। हजारों हजारों वीर पुरुष, कितने बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ रथी मर गए, लेकिन ये 2 अंडे आज इट इज बच गए, बचे नहीं प्रस्फुटित हुए। वही 18 दिन के अंदर, उसी के बीच में, महायुद्ध के बीच में अंडे से वो सावक निकल करके आए, और बिल्कुल एंड टाइम पर जिस समय बाहर आए, उनके माता का जरूरत था, उसी समय घंटा टेढ़ी हुआ, और वो शांत हो चुका था। दोनों टिटिहारी पके ढूंढ रहे थे, वो उनको ढूंढने का तो सामर्थ्य नहीं था, लेकिन सावक निकल करके आवाज करने लगे, अरे यही तो हमारा बच्चा। सीधा वही लैंडेड किए, लैंडिंग किए, माता पिता के साथ संतान का मिलन हुआ, महायुद्ध। ये भगवान की शरणागत वत्सलता है। किसी भी प्रकार से अगर उनको प्रार्थना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उनको अनसुनी कर दे, करते हैं, चाहे आपको समझ में आवे ना आवे, उनकी तरफ से कभी कभी नहीं। इतना परफेक्ट अरेंजमेंट कोई सोचा भी नहीं जा सकता, सोचा भी नहीं जा सकता, इतना उनकी वो करते हैं, ये उनके भक्त वत्सलता, ये कृतज्ञता है। वो जो किए उनको भगवान जानते थे, और किस प्रकार होगा उनको आता है। इसे भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ। कभी कभी प्रश्न उठता है, हाँ भक्त वत्सल है, कृतज्ञ में जान भी लिया, लेकिन वो कर पाएगा, उनके पास पावरफुल इतना समर्थ है कि नहीं? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर कृष्ण का हाथ ना पहुंच सके, ऐसा कोई काम नहीं है जो कृष्ण ना कर सके, पूर्ण समर्थवान है। इसलिए भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ। अभी प्रश्न उठता, हो सकता है भक्त वत्सल है और कृतज्ञ भी, जान भी लिया है, समर्थ भी, लेकिन कंजूसी है, देगा थोड़ी है, हमें कुछ जरूरत है, 2 लाख का कोई बेटी की शादी है, कुछ ऐसे कारण से, और हम गिड़गिड़ाकर मांगते हैं, वो धनी व्यक्ति, उनका थोड़ा लगा, हाँ मदद करूँ, धन तो का कमी नहीं मेरे पास, दे भी सकता हूँ, मन भी किया, उनका अंदर कृपा हुआ, भक्त वत्सल कृपा हुआ, और समर्थ भी है, और जान भी लिया कि मांगते कितने, लेकिन वहाँ कंजू से देगा ही नहीं, अब क्या करें, सब होकर कुछ काम नहीं। तो सर, भक्त वत्सल होने से क्या, कृतज्ञ होने से क्या, समर्थ होने से क्या? दिन भर बोलते नहीं, भगवान ऐसा नहीं, भगवान बदान्य है, महादाता है, भगवान की जैसा देने वाले दुनिया कोई नहीं हो सकता।
इसलिए तो संत जन कहते हैं जगत सारे भिखारी दाता एक राम सारे जगत भिखारी, वही अकेले दाता है, इतने बदान्य है, इतनी बड़ी दाता है, सचमुच वही सब कुछ देते हैं। तो इस उनका अंदर में कभी कंजूसी का प्रश्न ही नहीं है, महावदान्य है और सर्वसमर्थ है, कृतज्ञ है और भक्तवत्सल है। इस चार गुण को जानने के कारण कोई भी पंडित व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर करो कहीं नहीं जाएगा। है ना कृष्ण छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य, ऐसे भजनीय गुण के निधि इस प्रकार गुण भगवान में है, इसलिए कोई कृष्ण को छोड़ करके और कहीं नहीं जा सकता और कहीं इस प्रकार के समावेश नहीं है। इस प्रकार के बच्छल, इस प्रकार के समर्थ, इस प्रकार के कृतज्ञ, इस प्रकार के बदान्य केवल ही केवल श्री कृष्ण हो सकते हैं। इसलिए केवल श्री कृष्ण के भजन करना उचित है, आवश्यक है इस कारण से। और आप सब पंडित है इसलिए कृष्ण का भजन करते हैं और पूरे श्रद्धा के साथ प्रयास के साथ करते रहिए, क्योंकि श्री चैतन्य देव कहे भजन तो करना चाहिए लेकिन भजन करने से भजन परिपक्व फलदायी नहीं होता। बोले क्यों? क्योंकि दो चीज़ की कमी रहता है, जत्न आग्रह बिना भक्ति प्रेम दीते ना पारे, ये दो चीज जरूरत है भक्ति के साथ। क्या? जत्न और आग्रह। जत्न मतलब जत्न समझते ना, प्रयास ही समझो, प्रयास ही, बार-बार प्रयास करना, जत्न करना, जतन करके लगाना। और आग्रह, पूर्ण आग्रह, आग्रह और जत्न अगर भक्ति में ना हो तो भक्ति मस्ती हो जाएगा, भक्ति नहीं होगा। तो इसलिए भक्ति में जत्न और आग्रह मिला करके करना चाहिए, तब भक्ति परम प्रेम प्रदाय नहीं हो सकता। और भक्ति केवल ही केवल कृष्ण को किया जाए और किसी के प्रति भक्ति नहीं हो सकता, भक्ति के लायक केवल श्री कृष्ण है। नाम तुभ्यम, तुभ्यम शब्द से बोलते केवल आपके ही नाम, और किसी का नाम नहीं है। भगवान कृष्ण के केवल श्री कृष्ण भगवान के नाम कोई ले ले किसी प्रकार से, बाकी कोई यज्ञ पूजा दान स्नान तीर्थ कुछ भी आवश्यकता नहीं, सब कुछ परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन नाम तुभ्यम केवल श्री भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र के नाम, और किसी का नहीं, उन्हीं के नाम। तो इस प्रकार से परम श्रद्धा, इस गुण को जानने के भक्त बच्छल कृतज्ञ समर्थ बदान्य, इसको जान करके बड़े बड़े विज्ञ जन कृष्ण को छोड़कर और कहीं नहीं जाते और जाना आवश्यकता नहीं। दूसरी बात है, जब से सृष्टि हुआ है, जब से सृष्टि बना है, अब तक एक भी ऐसे प्रमाण नहीं है कि कोई कृष्ण को भजन किया और उनका कामना बना, एक भी प्रमाण नहीं है ऐसा कि इसी भी प्रकार से कृष्ण के शरणागत हुआ उनका वो सफल होकर ही रहा, और एक भी ऐसे प्रमाण नहीं है सृष्टि से अब तक कि कृष्ण को छोड़ करके बाकी अन्य के कई भव्य रूप से भजना किया और उनका काम बना, उनका सत्यानाश ही हुआ। ये भी एक भी प्रमाण नहीं कि बच गए, कितने भारी हजारों हजारों साल तप जप किए, हिरण्यक्ष है, रावण है, कंस है, सब घोर तप किए थे, ऐसे ऐसे वर प्राप्त किए थे, गए सब मर मिट गए, लेकिन अभी तो सुने ये छोटी अल्प प्राण पक्षी भी कई अक्षौणी सेना मर गए, उनका कमाल उसी के बीच में, वही कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान के बीच में लाखों लाखों के डेड बॉडी के बीच में वो जीवन प्राप्त किए, जहाँ लाखों डेड बॉडी मर गए, लाखों वीर मौत को प्राप्त किए,
यहाँ दो अंडा मरे नहीं, मरते हुए बीच में जीवित होकर निकले। ये विधि के विधान, ये है कृष्ण भक्ति के प्रभाव, क्योंकि उन्हें कृष्ण को शरणागत हुए थे। और जो कृष्ण के शरणागत नहीं हुए थे, हजार महान महान वीर थे, रथी अतिरथी थे, गए काम से, लेकिन ये निश्चिष्ट कोई शक्ति नहीं, चलने फिरने की शक्ति नहीं, अंडा भी वो भी नहीं कर पाए प्रार्थना, उनके अनुभाप उनके ओर से कोई प्रार्थना किया तब भी उनका बाल मखा नहीं हुआ, पूर्ण सुरक्षित हो गया। ये है कृष्ण को भजना करने के कारण यही प्रभाव है, वैसे नहीं भजते उसका ही प्रभाव है। इसलिए आप सभी जयपुर वासी जितने भी श्रद्धालु हैं, इस कृष्ण भावनामृत संघ के संपर्क में आने के कारण सब कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम भजन करते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, आपने आपको परम परम महा सौभाग्यशाली मानिए कि ये कोई छोटा मोटा सौभाग्य की बात नहीं है। आप जिस सौभाग्य को प्राप्त किए हैं, और भी आसपास में जितने सभी को भी इसे सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं। प्रभु भी यही चाहते हैं कि अकेला आप मत बनो, दुनिया को भगवान को कोई कमी नहीं है, पूरी जयपुरवासी सब गोविंद भक्त बन सकते हैं, मदन मोहन के भक्त बन सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन बनाने का काम भक्तों का है, मालिक तो तैयार है उनकी तरफ से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अब आप सभी लोग कुरुक्षेत्र से बाहर आ चुके होंगे, और जैसे महाराज ने भगवान की भक्तवत्सलता के बारे में बताया, हम सबके हृदय में भी अटूट इच्छा उत्पन्न हुई है भगवान के हृदय, भगवान के चरण कमलों में शरणागति की, और ये विश्वास भी आया है कि अगर हम टूटे फूटे शब्दों में, टूटे फूटे प्रयास के साथ, जैसा महाराज ने बताया, यत्न और आग्रह के साथ कृष्ण के चरणों पर आश्रित होंगे, तो निश्चित किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। तो इसी सुंदर संदेश के लिए महाराज जी को हृदय के साथ हरे कृष्ण महामंत्र बोल करके धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कभी किसी भक्तों का कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, माइक और आ सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपका कृपा बरसा है कथा पर। मैडम अभी 15 दिन में कार्तिक आने वाला है, हमने सुना है कि ये कृष्ण कृपा की सेल है, तो हम कार्तिक का कैसे मतलब अधिक से अधिक बेनिफिट उठाएं, कैसे क्या करेंगे जिससे हम भक्ति में और एडवांस कर सकें? कार्तिक भी आ रहा है, इसलिए आप अभी से प्लानिंग करना चाहिए, है ना? नहीं, इसमें भक्ति का फुल डिस्काउंट चलता है ना, नहीं बोनस में। तो क्या क्या आप कर सकते हैं, ये नियम सेवा की समय है, ये नियम आप लोग सब कार्तिक से पहले अपन में विचार कर लीजिए। कोई कुछ कुछ नियम करना चाहेंगे, कुछ त्याग करना चाहेंगे, कुछ प्राप्त करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे, बना सकते हैं अपना अपना नियम, अपने अपने स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार। कोई कोई बोलते हैं हम इस महीने में मीठा नहीं खाएंगे, कोई बोलते हैं इस महीने में कल मिठाई खाएंगे, कोई बोलते हैं नमक नहीं खाएंगे, कोई बोलते हैं हम इतने एक अध्याय भगवत गीता का डेली पाठ करेंगे, दामोदर अष्टक करेंगे, ये करेंगे, भागवत पढ़ेंगे, कितने माला एक्स्ट्रा जप करेंगे, इस महीना में कम से कम झूठ नहीं बोलेंगे, इस महीना में किसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, है ना? नहीं तो जितने आप नियम ले सकते हैं इस महीना में, जितने नियम लेंगे अच्छे प्रकार से, इसको कई गुना फलदायी हो जाएगा, है ना? हरे कृष्ण। तो और कोई प्रश्न है कि नहीं?
यत्न और आग्रह दो बार बताया, तो आग्रह का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। आग्रह सभी जानते, कौन नहीं जानते आग्रह मतलब? नहीं यहाँ तो सब जानते हैं आग्रह क्या, आपको भी पता है आग्रह क्या? अब आप फास्टिंग करते हैं, निर्जला व्रत एकादशी के दिन उपवास करते होंगे ना? जो उपवास रखते हैं दूसरे दिन भोजन कर पाने के लिए आग्रह होता है कि नहीं? जो इच्छा तो उसे आग्रह कहते हैं। जो प्रबल इच्छा होता है अभी मिल जाए, पारायण के समय कब है? यही आग्रह है, तो इसे आग्रह होना चाहिए, है ना? एकादशी तपस्या है, द्वादशी आग्रह है। और कोई प्रश्न है किसी का? एकादशी के दिन जत्न करना पड़ेगा और दूसरा दिन आग्रह करना पड़ेगा। मेरा प्रश्न ये था महाराज कि जैसे हम बच्ची से पहले भी आते हैं तो हमारे स्वभाव होता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि उस स्वभाव को कोशिश करें कि हम भक्ति में कृष्ण की सेवा में लगाने, भक्तों के सेवा में लगाकर प्रयास करें, लेकिन ये स्वभाव हमें पहले कैसे मिलता है, मतलब कैसे डिसाइड होता है कि इसको ऐसा स्वभाव मिलना चाहिए, इस चीज को? स्वभाव तो आपका पहले से कैरी फॉरवर्ड होकर आता है। वो नहीं देते हैं, वो हमारी कमाई है। आप जिस जैसे संग करोगे, जिस अभ्यास करोगे, इसी के अनुसार स्वभाव बनता है आपका, है ना? उसमें भगवान को दुष्ट मत दीजिए। तो कोई बात नहीं, हम जो दुर्भाग्य और सौभाग्य से जो हमारा सौभाग्य है उसी को लेकर के आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। ओके, और कोई प्रश्न है कि नहीं? जल्दी पूछिए जी, यहाँ पे अच्छा कुछ जल्दी जल्दी। प्रभु जी, हम अपने जीवन को किस भाव के साथ में जीवन की हम अपने शक्तियों के और अपने विचारे उनके कर्तव्य हो जाए, मतलब उनको जान सके कैसे जीवन जिए, आप समझ में आए क्या बोल? हम अपने अपने जीवन को किस भाव दशा में जिए कि हम अपने कर्तव्यों के और अपने विचारों के कर्तव्य हो जाए, मतलब? तो जीवन अब जी रहे कि नहीं, खा पी रहे ना? आप किस भाव दशा में जिए उस जीवन को, किस बात किस भाव से जीवन सफल हो जाए? देखिए, सबसे सिंपल उपाय मैं बताता हूँ, आप जैसे भी रहते हैं जीजिए, उसके साथ को दो चार घंटा निकाल कर हरे कृष्ण कीर्तन कीजिए। ओके, बाकी सब सीधा हो जाएगा। और इनका प्रश्न है इधर, माताओं से प्रश्न ले सकते हैं, जल्दी जल्दी हाथ खड़ा रखिए। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, आपने कुछ दिन पहले एक कमेंट भेजा था जिसमें था कि शरणागति के अंदर ना जो डुप्लीसिटी होती है ना, ये मतलब शरणागति में बाधा है, तो हम कैसे पहचाने कि हमारे व्यवहार में डुप्लीसिटी है? अच्छा, और कोई पहचानेगा आपके लिए? नहीं महाराज, जैसे कि कई बार हम पहचान नहीं पाते, तो हमें कैसे डिफाइन करना चाहिए कि हम जो है ऐसे डुप्लीसिटी से बिहेव कर रहे हैं? अगर कोई काम आप करने जाते हैं और नहीं हो रहा है तो फिर कोई गड़बड़ी तो है निश्चित, है कि नहीं? आप फोन चार्ज करने के लिए प्लग में लगाए, स्विच ऑन किए, चार्ज दिखता नहीं, तो समथिंग प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम तो है, चाहे करंट नहीं है कि कोई डिस्कनेक्ट है, कुछ तो होगा, है कि नहीं? इस प्रकार से पता लगाना पड़ेगा क्या है, करंट नहीं है या कहीं डिस्कनेक्ट हो गया, क्या है पता लगाओ। महाराज, एक और क्वेश्चन, आपने बोला कि हमें प्रयास और आग्रह करना चाहिए, तो महाराज प्रयास जो है हम करते तो है, तो इसको क्या समझे कि हम हमारे आलस्य है या हमारे कुछ पूर्व जन्म की वजह से हम प्रयास करना चाहते पर कर नहीं पाते? नहीं, आप चाहेंगे तो निश्चित करेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? प्रयास यही है कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको करते रहना चाहिए, करते रहो, पसंद हो ना पसंद हो, मुझे मजा आ रहा है नहीं मजा आ रहा है, डोंट माइंड, करते रहो। और आग्रह का मतलब, मैं अगर ये विश्वास, परम विश्वास, मैं अगर उसको करते रहूँगा निश्चित रूप से मेरा कल्याण होगा और होकर ही रहेगा, ऐसे पूर्ण विश्वास के साथ करते ही रहो।
थैंक यू महाराज जी, जन्म प्रणाम। और किसी का प्रश्न है पीछे से? हरे कृष्णा महाराज प्रणाम। महाराज मेरा प्रश्न है कि जब हम प्रचार के लिए जाते हैं और हम किसी को भक्ति के बारे में बताने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग उस चीज को बहुत आसानी से समझ जाते हैं और भक्ति के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि नहीं समझते हैं। तो क्या ये भगवान की कृपा है या फिर हमें एज अ भक्त हम उस चीज को कैसे समझें कि भगवान की कृपा से कोई भक्ति में आएगा या फिर नहीं? आप इस प्रकार समझें कि जो समझते हैं, आपको समझना चाहते हैं वो श्रद्धालु हैं, जो नहीं चाहते हैं अश्रद्धालु हैं। ओके, आगे से प्रश्न है, माइक को आगे दे सकते हैं, आगे की तरफ। हरे कृष्ण महाराज, स्वागत करो महाराज। मेरा प्रश्न ये था कि भक्ति में शुरुआत में तो बहुत आनंद आता है, कुछ समय के बाद वो आनंद डिम पड़ जाता है किसी अपराधों की वजह से या बार बार संकल्प तोड़ने की वजह से, तो उस स्थिति में कैसे संभला जाए और कंटिन्यू रखा जाए? कारण तो आप खुद ही बताते हैं, जिसके वजह से गया उस वजह को हटा दीजिए, ठीक हो जाएगा, और क्या। आप ही बोलते हैं कि अपराध के वजह से ही गड़बड़ हुआ, तो अपराध को मिटा दो, भरे हो मिट जाएगा, है कि नहीं? महाराज आपने एग्जांपल दिया भक्तवत्सलता का, कई बार हमारे सामने जीवन में इस तरह का सिचुएशन आती है कि रियल लाइफ इंसिडेंट की जैसे असामयिक मृत्यु हो जाती है या कोई रोगी हो जाता है और वो पूर्ण रूप से अपने आत्मा लगा के वो सब कुछ मतलब भगवान को याद करते हैं, और असामयिक मृत्यु या रोग के कारण मृत्यु या कोई सुसाइड कर लेता है ऐसा, और उनके पीछे जो डिपेंडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं हमने भगवान को बहुत याद किया, प्रार्थना की, भगवान ने नहीं सुना, और वो नेगेटिव भी व्यवस्था है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं कि भगवान ने हमारी सहायता नहीं की, हम तो भगवान पर पूरे डिपेंडेंट हो गए, देखिए भगवान को प्रार्थना करने से भगवान अवश्य सुनते हैं, लेकिन भगवान सुनते का मतलब जिनको मरना ही उनके लिए कल्याणकारी है तो उनके लिए भगवान तो वही करेंगे जो भला होगा ना, तो वही किए, क्योंकि हमको पता नहीं है कि जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है, हम अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन भगवान को अतीत भविष्यत वर्तमान सब पता है, तो उनके हिसाब से वो करते हैं, तो जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ ऐसा मानना पड़ेगा। आप उनसे बड़वा भगवान से ज़्यादा जानकर थोड़ी मत बनो कि हमारा नहीं सुने, किसे नहीं सुने? ओके, महाराज जी हमें भगवान से क्या प्रे करना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रेयर बहुत ही अजीब होती है, तो हमें बेस्ट प्रेयर क्या करनी चाहिए जैसे भगवान? बेस्ट प्रेयर अविस्मृति तव चरणारविंदे भवे भवे मिस्त भवत प्रसादात। हे प्रभु, हमेशा मैं आपको कभी ना भूलूं, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर, द बेस्ट प्रेयर। ओके, हरे कृष्ण। तो एक आखिरी प्रश्न और लेंगे, यदि भक्त का प्रश्न है। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने काफी सुंदर अच्छे से बताया क्लास। महाराज जी आपने बताया कि भगवान भक्तों के प्रति चार आपने बताई, कर्तव्यता और भक्तवत्सलता, और महाराज जी जो जो भक्त नहीं है, जो भक्त जीवन में यहाँ फंसे हैं, उनके प्रति भगवान की दृष्टि कैसी रहती है? भगवान की दृष्टि होगा जो भक्ति करेंगे, जो लोग भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति नहीं कर रहे वो अपना कर्म भुगते हैं, भगवान की दृष्टि कर्म फल देते हैं ना उनको, कर्म फल विधाता भी भगवान ही है, डायरेक्ट उनका कुछ नहीं रहता, एक कर्म फल प्रदानता परमात्मा, एक कर्म फल प्रदान करते हैं, अगर भक्ति करेंगे तो फिर स्पेशल हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे महाराज जी अभी आपने बताया कि चिड़िया ने अपने अंडों के लिए भगवान से प्रार्थना की, तो ऐसे प्रार्थना हम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? इसे तो बताएगा करो करके, कर सकते नहीं, करना चाहिए। हरे कृष्ण
हरे कृष्णा। तो आज हमारे मध्य चंडीगढ़ टेंपल के प्रेसिडेंट श्रीमान अक्रूर नंदन प्रभु जी भी पधारे हुए हैं, तो प्रभु जी का भी स्वागत करेंगे।